हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। आज हम फजी इफ देन रूल्स कह लो, फजी इंप्लीकेशन कह लो, या फिर फजी कंडीशनल स्टेटमेंट कह लो, या सिंपली फजी रूल कह लो, यार ये सभी चीजें ऑलमोस्ट एक ही तरफ इशारा करती है कि भैया रूल फॉर्म करना है। और रूल फॉर्म करना है मतलब किस फॉर्म में, इफ देन फॉर्म में रूल फॉर्म करना है, जो कि आपको यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो फजी इफ देन रूल्स को आप फजी इंप्लीकेशन भी बोल सकते हो, फजी रूल भी बोल सकते हो, या कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। अभी यहां पर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बराबर, इसमें इफ भी है देन भी है। अभी सिर्फ हमें एक बात समझनी है कि इस इफ और देन के बीच में जो ये दो स्टेटमेंट है इनका मतलब क्या है। बराबर, एक्स इज ए एंड वाई इज बी, रिमेंबर ये जो है x is a and y is b, ये दोनों prepositions हैं, ये दोनों क्या है, prepositions हैं। And remember, जो भी आप fuzzy के if then rules लिखते हो या fuzzy के implications लिखते हो, हमेशा fuzzy implication का काम क्या होता है, इसका simple सा काम होता है कि दो prepositions के बीच में relation को establish करना। क्या करना, फजी इंप्लीकेशन का काम क्या होता है कि ये जो दो प्रीपोजिशंस आपको यहां पे दिख रहे हैं इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन एस्टैब्लिश करना, ये आपके फजी इंप्लीकेशन या फजी इफ देन रूल का मोटिव होता है, एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। बराबर, अब आप बोलोगे इस प्रीपोजिशन का मतलब क्या, वो तो समझाओ जरा। दैट इज एक्स इज ए, अब यहां पर ए जो है ये मेरा फजी सेट है, अब फजी सेट क्या होता है वो तो आपको पता है, बी जो है ये मेरा दूसरा फजी सेट है, बराबर, और एक्स इज ए, इसका मतलब क्या, एक्स रिप्रेजेंट द एलिमेंट that belongs to set A, Y represents the element that belongs to set B, इतना ही matter है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका simply fuzzy if then rule, ये basic है। बराबर, अभी आप बोलोगे ठीक है इसको कुछ नाम तो होगा, preposition, ठीक है preposition I agree, लेकिन इसको अलग सा कुछ तो नाम होगा, इसे हम लोग basically नाम देते हैं, x is a को हम लोग नाम देते हैं antecedent, इसे आप एंटीसीडेंट या फिर प्रीमिस बोलते हैं, प्रीमिस, और प्रीमिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी व्हेन इट इज कमिंग टू फजी इफ देन रूल, इसे प्रीमिस बोलते हैं और इसे कंक्लूजन बोलते हैं। सो दिस वाई इज बी इज कॉल्ड एज अ कंसीक्वेंस और कंक्लूजन, सो इट इज अ प्रीमिस, इट इज अ कंक्लूजन, ये टर्मिनोलॉजीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए जब भी आप फजी इफ देन रूल्स को पढ़ रहे हो। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई इसमें से प्रीमिस कौन सा है, इसमें से कंक्लूजन कौन सा है, इसमें से एंटीसीडेंट कौन सा है, इसमें से कंसीक्वेंस कौन सा है, ये समझ में आना चाहिए, ये आइडेंटिफाई आपने करना चाहिए, तब जाके आपको ये रूल बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे। एक और चीज अभी मैं बताना चाहता हूं कि चलो भैया हमने रूल फॉर्म कर दिया, ऐसा कोई तो इफ देन फॉर्म में एक रूल भैया मैंने फॉर्म कर दिया, ठीक है, अब उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। अब हमारे पास इतना तो हमें पता है कि ए और बी आर नथिंग बट द फजी सेट, अभी इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाए इन टर्म्स ऑफ फजी सेट, तो इट्स अ सिंपल थिंग, जब भी आप किसी फजी रूल को रिप्रेजेंट करते हो एज अ आर, तो आर इज डिनोटेड एज, आर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इन दिस वे, ए implies B, कैसे A implies B, इसलिए शायद इसे implication बोला गया है, because यहाँ पे implication operator हमने use किया है, A implies B, इस तरीके से आप denote कर सकते हो। एक और interesting चीज, see इस पर्टिकुलर रिलेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया इंप्लीकेशन इज नथिंग बट अ रिलेशन इन बिटवीन टू प्रीपोजिशंस, क्या बोला मैंने, इंप्लीकेशन इज नथिंग बट द रिलेशन इन बिटवीन द टू प्रीपोजिशंस, और मैंने आपको पहले भी बताया कि रिलेशन को सबसे बेस्ट तरीका, जो कि रिप्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका कौन सा है, मैट्रिक्स है, तो यहां पे हम लोग इस रूल को इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात याद रखना कि आप किसी भी गिवन रूल को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी टेंशन मत लो, अगर अभी समझ में नहीं आया कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए अगले वीडियो में इस एग्जांपल को न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक पर्टिकुलर रूल को आफ्टर फॉर्मिंग द रूल, उस रूल को कैसे हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो अभी अगले वीडियो में देखेंगे। एग्जांपल यहां बता देता हूं, एग्जांपल क्या है, इफ टेंपरेचर इज हाई देन प्रेशर इज लो, तो यहां पे इफ है देन है, टेम्परेचर इज हाई, अब यहाँ पे टेम्परेचर इज हाई, दिस इज अ प्रीमिस, एंड प्रेशर इज लो, दिस इज द कंक्लूजन, तो यहाँ पे आपका ये प्रीमिस है और ये कंक्लूजन है, दोनों प्रीपोजिशंस हैं। अब ये कैसे हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करने का क्या फंडा है, क्या स्टेप है, क्या प्रोसीजर है, वो सारा न्यूमेरिकली सॉल्व अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आई होप ये बेसिक आपको फंडा समझ में आ गया होगा कि फजी इंप्लीकेशन क्या होते हैं, फजी इफ देन रूल्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में आ गई होगी, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ गया होगा तो वो चीजें करना बिल्कुल ना भूलिए जो अभी तक आप करते आ रहे हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और एग्जाम पास आ रही अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, मेरी मदद को उन तक पहुंचा सकते हैं सिर्फ आप। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।